प्रदेश के अंदर पंचायती राज में जो जिला परिषद केडर के हमारे इम्प्लॉयज है उनमें एक महीने से ऊपर टाइम हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश में स्ट्राइक पर गए हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3200 पंचायतों के करीब जिसमें विकास के कार्य सारे बंद है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार विकास के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस आपदा में हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों का नुकसान हुआ था, और उसमें जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो पंचायती राज के माध्यम से हर उस आदमी तक पहुंचती है जिसका नुकसान हुआ है। पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार बहुत दिनों से गरीब वंचित शोषित जो जूझ रहे हैं, जो घर के सामने अपने डंगे नहीं दे पा रहे, जिनके घर गिरे हैं उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिनके खेत गिरे हैं उनको उसमें डंगे नहीं दे पा रहे हैं, और मनरेगा के तहत जो कार्य होते थे वो सारे कार्य बंद है। और कांग्रेस सरकार आज जैसे सुना है कि जितने भी जिला परिषद कैडर के एम्प्लॉयज है उसमें एक्सडीएन भी है, एसडीओ भी है, जेई भी है, और पंचायती राज में जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है वो भी है, और जीआरएस भी है, सेक्रेटरी भी है। इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कह रही है। ये बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ₹20,09,2022 को एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसको इनको सबको एक रेगुलर बेसिस की अपॉइंटमेंट दी थी। जिला परिषद केडर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस विद इमीडिएट इफेक्ट एज अंडर, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस एक्सियन को 15,600 स्केल था उसका 83,600 किया था, 5 गुना सबके इनके स्केल बढ़ाए थे। जो असिस्टेंट इंजीनियर था उनका 15,600 था उसका 56,100 किया, जो हेड ड्राफ्ट मैन है उनका 10,300 से 43,000 किया था, जो जूनियर इंजीनियर है उनका 10,300 से 38,500 किया था, और कुछ ब्लॉक में वो पैसा इस नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ एम्प्लॉयज को मिला भी। पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उन्होंने इस नोटिफिकेशन को डीनोटिफाइड किया, और इसमें जो फर्क है पंचायत में, कुछ पंचायतों में रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी रेगुलर एम्प्लॉयज की मिल रही है, काम जो जिला परिषद के एम्प्लॉयज है और रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज है दोनों का वर्क एक है, सेक्रेटरी का वर्क दोनों का एक है, और जूनियर इंजीनियर का एक है, और एसडीओ का एक है, और एक्सियन का एक है, और पंचायत सेक्रेटरी का एक है, और साथ में जितने टेक्निकल असिस्टेंट का एक है, वर्क एक है, और जो सैलरी है उसमें इतना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारी गवर्नमेंट ने इसीलिए इनको रेगुलर बेसिस की अपॉइंटमेंट दी थी और सैलरी भी रेगुलर बेसिस पर की थी। और मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय से यही विनती करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, और उस आपदा में पंचायत हिमाचल प्रदेश के 3200 पंचायतें कार्य नहीं कर रही है, सब गरीब वंचित शोषित सुबह से शाम तक पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं,
और किसी को भी जो सरकार से कोई सुविधा मनरेगा से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जो सेंक्शनें आती है किसी के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। मेरी सरकार से ये विनती है कि आप तुरंत इस हड़ताल को ख़त्म कराएं और पंचायती राज जो ये हमारे जिला परिषद कैडर के जो इम्प्लॉयज़ है इनसे बात करके इनकी जो मांग है उसको मानकर और इस हिमाचल प्रदेश में जो आपदा में सारे कार्य रुके हैं वो सुचारू रूप से चले।